दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, अगर चाहो ले लो मुझसे ये जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। सब अपने बचपन को लौट जाना चाहते हैं, जवानी के दिन में भी उन्हें बचपन याद आते हैं, लेकिन सभी का बचपन ऐसा नहीं होता। आखिर में ऐसे कौन लोग हैं जो बचपन में ही जवान हो जाते हैं? आज हमारे साथ हैं जयपुर के अपना घर के कुछ बच्चे, प्रदीप, नीरज, कृष्णा और रियाज, जो बताएंगे आज अपनी कहानी कि किस तरह से उन्हें बचपन में जवानी को देख लिया। बच्चों स्वागत है, नमस्कार। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रियाज है। रियाज कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली का रहने वाले? हाँ। कब आए यहाँ, कैसे आए यहाँ? मेरे को मेरी मम्मी ने रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि कोई उठा के उनको पाल पोस लेगा, वो हमको पढ़ा लिखा नहीं सकती थी। मेरे पापा भी छोड़ के चले गए थे। और फिर जयपुर साल के थे तुम? जब मैं 7 साल का था। 7 साल के थे? हाँ। तो स्टेशन कौन से स्टेशन पे छोड़ा? जयपुर रेलवे स्टेशन पर। तुम्हें याद है वो घटना जब छोड़ा था तुम्हें? बस उतना ही याद है। फिर यहाँ अपना घर वाले भैया ने फिर मेरे को यहाँ पर लेकर आए, फिर 2-3 महीने रहा, फिर उसके बाद मेरा एडमिशन करा दिया यहाँ पर। नीरज तुम बताओगे? मैं पहले अपना मेरे घर पे रहता था, तो मैं ना घर से भाग गया था, मारपीट की रही थी मेरे घर पे। कब, कितने साल के थे तुम? तो जब मैं 5 साल का था। कौन पीटता था तुम्हें? पापा पीटते थे। तो तुम घर से निकल गए थे नाराज होके, फिर कहाँ पहुँचे? फिर मैं ट्रेन बैठा। ट्रेन में बैठ गए? जी। फिर ट्रेन डायरेक्ट यहाँ पर लेके आई। कहाँ, कौन सा शहर है तुम्हारा, याद है तुम्हें? याद नहीं है। गाजियाबाद। गाजियाबाद से? तो गाजियाबाद से ट्रेन में बैठ गए थे और यहाँ आ गए। तो यहाँ क्या हुआ फिर, यहाँ आने के बाद? फिर यहाँ पर हमें, मेरे को भैया ने संभाला, भैया लेके आए यहाँ पर, तो इन्हों को दिए, फिर इन्होंने सब चीज़ की रखवाली करी। कृष्णा तुम कब आए यहाँ, कितने छोटे थे जब यहाँ आए? जब मैं 5 साल का था। 5 साल के थे? तुम्हें याद है 5 साल की वो घटना? जब मेरे बाबा पे ना घूमने आए थे इंडिया, तब मेरे दादा पिक्चर दिखाने के थे, तब मेरे दादा घूमने आए थे। कहाँ? इंडिया। इंडिया? तुम्हारे घर वाले इंडिया से बाहर रहते हैं? नहीं, इंडिया में रहते हैं, पर जयपुर आए थे। जयपुर आए थे? पता है तुम्हें कहाँ रहते हैं वो, कहाँ से आए थे घूमने? पता नहीं। तुम्हें पता? मालूम नहीं। तो तुम कहाँ छूट गए थे? मेरे दादा पिक्चर दिखाने के वो कार्ड लेने आए थे, तो उधर मैं अकेला रहा था, उधर एक भैया आए थे अपना करके, उन्होंने हमें यहाँ लेके आए। वो यहाँ लेके आए? प्रदीप तुम बताओगे? 9 साल के या 10 साल के समथिंग था, तो मेरे घर में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और मेरी मम्मी तो पैर से सही नहीं उनके, अपर तो भाई, बड़ा भाई थोड़ा मारपीट कर देता था, मैं स्कूल नहीं जाता था, घर में शैतानी दिन भर बाहर, तो बड़े भैया पीट देते थे, मैं उनकी बात का बुरा मान के घर से भाग आया। कहाँ के हो तुम? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश के हो, तो घर से भाग के कहाँ निकले? मैं घर से भाग के मैं पहले सबसे पहले सहारनपुर गया था। सहारनपुर? तो सहारनपुर में क्या किया तुमने? सहारनपुर में मैंने हलवाई का काम किया था। हलवाई का क्या बना देते? उस समय तो मैं छोटा था, हार्ड काम तो होते नहीं थे, ऐसे ही बर्तन पानी ऐसा कुछ धोते थे, बर्तन भांडे। कितने समय धोए वहाँ? वहाँ पे मैंने करी 2 महीने। 2 महीने, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से मैंने पैसे ले लिए, फिर मैं इधर निकल आया हरियाणा में। फिर वहाँ पे मुझे कोई बंदा मिला था, उसने फिर मेरे को रखा अपने पास, वो अपनी वाइफ की पिटाई मारपीट करता था। एक दिन उसने अपनी वाइफ की ज़्यादा पिटाई कर दी थी, मेरे को डर लगने लग गया था किसी दिन मेरे साथ ऐसा नहीं कर दे, तो मैं वहाँ से भाग आया, फिर मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार? फिर हरिद्वार में क्या किया? हरिद्वार में वहाँ पे भी मेरे ऐसे दोस्त मिल गए थे, तो गंगा में हम क्या नारियल पकड़ते थे और फिर उन्हीं को वापस बेचते थे 10 रुपये में, डुबकी लगा के। वो काम करते थे, मज़ा आता था उसमें? हाँ, उसमें नहाने में मज़ा आता था। और पैसे भी मिल जाते थे? पैसे हाँ कम मिलते थे, क्योंकि पैसे को हम ढूंढते नहीं थे। कितने समय किया ये काम? ये मैंने किया था 1.5 साल के समथिंग। 1.5 साल तक डुबकियाँ लगाई गंगा में, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से मैं
अजमेर और जयपुर के बारे में मैंने पढ़ा था, ये दरगाह ये फेमस जगह बताई, तो मैं घूमने के लिए अजमेर आया, फिर अजमेर से मैं दरगाह देख के फिर यहाँ जयपुर आया रिटर्न। तो यहाँ पे मैं कुछ देर रहा था, तो यहाँ से मेरे को पढ़ने की काफ़ी इच्छा हुई थी, तो मैं पढ़ने के लिए देख रहा था, मैंने किसी से तलाश भी करी, चाहे मेरे को अपने घर में रख लो पढ़ा लो, किसी ने नहीं करा था। तो मैं रेलवे स्टेशन पर या जन क्लास ऐसे एक स्टाफ जाता है चाइल्ड लाइन का, वो पढ़ाते बच्चों को, तो उनसे संपर्क हुआ था मेरा, फिर वो लेके आए। रियाज, तुम्हारे बारे में तो सुना है कि तुम्हारे इस बार टेंथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कितने आए हैं? 76.17% बनी है। कितने मार्क्स होते हैं पता है तुम्हें? ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, कैसे आए ये मार्क्स? मैं बहुत पढ़ाई करता था। तुम तो घर से निकल गए थे, तब तुमने कभी सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी अच्छी जगह आऊँगा, मम्मी जी का दक्षा, मम्मी जी का प्यार मिलेगा इतना अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अपना घर, बहुत अच्छा लग मेरे को जब से यहाँ पर रह रहा हूँ, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ ये बताओ कि घर से तुम निकले? नहीं, मेरी मम्मी ने छोड़ गई। तुम्हारी मम्मी छोड़ गई, उसके बाद तुम्हारी मम्मी की याद आई, कभी लगा कि नहीं मुझे घर लौट जाना चाहिए? हाँ लगा, तो फिर मेरा घर ट्रस्ट किया इन्होंने, तो मेरा घर में। हाँ, फिर तुम मिल गया ट्रस्ट करते? हाँ मिल गया मेरा घर। फिर उसके बाद मम्मी लेने आई, मैंने मना कर दिया कि मैं यहीं पर ही पढ़ूँगा, जयपुर ही रहूँगा, दक्षिण मम्मी को ऐसे पढ़ूँगा। क्या जब तुमको यहाँ लाया गया तो क्या तुम्हारे दिमाग में था? पता नहीं, छोटे से था, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं था। नीरज, तुम क्या सोचते हो? मैं बड़ा होकर पायलट ऑफिसर बनूंगा। पर तुम तो घर लौट गए थे ना, तुम्हारे तो मम्मी पापा तुम्हें एक बार घर ले गई थी ना तुम्हारी माँ? जी लेके गए थे, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा बेच दिया। बेच दिया? जी। पहले भी तुमको बेच दिया था? नहीं, पहले तो मैं भाग के आया था अपने। किसको बेच दिया तुमको? होटल वाले पे, ढाबे पे बेच दिया था। कहाँ? श्रीराम कॉलोनी के पास। श्रीराम कॉलोनी कहाँ है? गाजियाबाद के पास। गाजियाबाद में? जी। कितने रुपए में बेच दिया था? जी वहाँ 1200 रुपये मिलते थे। तुमको 1200 रुपये मिलते थे? जी। और क्या करना पड़ता था? वहाँ बर्तन वगैरह साफ करने पड़ते थे। बर्तन साफ करने पड़ते? जी। फिर तो तुम्हें कैसे वहाँ से कैसे निकल के आए? सुबह सुबह मैं उठकर नहा धोकर तैयार होकर सुबह की ट्रेन में बैठ गया, वहाँ से दिल्ली की से, फिर दिल्ली सादर उतरा, दिल्ली सादर से फिर जयपुर की ट्रेन पकड़ी। तुम्हें मालूम था ये सब कुछ कि कैसे ट्रेन पकड़ना है सब? जी नहीं, पूछ के पता किया था। तो टिकट लेके आए या बिना टिकट ही आए? बिना टिकट के जी। प्रदीप, तुमने तो शायद टेंथ कर ली? मेरे 55 रैंक मार्क्स आए। अब आगे क्या करना चाहते हो? मैं एथलीट खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। एथलीट? तो तुम क्या खेलते हो? अभी मैं अंडर 14 में नेशनल खेल गया था आज 2012-13 में। नेशनल किस में? लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में तुम नेशनल खेल के आए, तो क्या तुम्हारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है? हाँ। कहाँ लेते हो? SMS स्टेडियम। सरकार की सहायता भी मिलती है तुम्हें? नो सर, वहाँ से अभी मेरे को कोई नहीं मिल रहा है। क्यों मन में आई एथलीट बनने की तुम्हें? प्रैक्टिस तो मेरी गांव से ही थी, मैंने स्कूल में जब ABM में एडमिशन लिया वहाँ पे टूर्नामेंट होते थे, तो मुझे नहीं पता था मैं किसी बच्चे से आगे हूँगा, तो मैं कूद गया ऐसे ही, तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया कि तू जाने इसमें, तो मैं वहाँ तक पहले राउंड में नेशनल तक गया था। नेशनल तक गए थे? तो स्कूल वाले तुम्हें बढ़ावा देते हैं? हाँ, स्कूल वालों ने बढ़ावा तो नहीं दिया, वैसे उन्होंने सपोर्ट तो किया वहाँ तक जाने के लिए, पर अब तो कुछ नहीं है, अब तो स्कूल क्या सपोर्ट करें, अब SMS से जा रहा हूँ। SMS? तो SMS में प्रैक्टिस करते हो? रियाज, बड़ा सवाल उठता है, तुम्हारे जैसे तुम्हारे साथ के बहुत बच्चे और भी हैं यहाँ, उन सब की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, काफ़ी बच्चे बाल मजदूरी करते हुए आते हैं, क्या लगता है जब उन बच्चों को मजदूरी करते हुए देखते हैं? तुमने भी कहीं ना कहीं मजदूरी की होगी, कैसे क्या लगता है कि पढ़ने की उम्र में जब मजदूरी करते हैं? तो मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे जब कचरा चुनते हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, उनके मम्मी पापा को सोचना चाहिए कि इनको पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा इंसान बनाए, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि मेरे बच्चे अच्छा बने या ना बने, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में डाले या सरकारी स्कूल में भी डाल सकते हैं, वो पढ़ेंगे अच्छा बढ़ेंगे, क्या पता आगे चलकर बहुत बड़े इंसान बन जाए। तो तुम्हारे जो पिताजी थे उन्होंने
तुमको छोड़ा। हाँ तो कभी उनके उनसे तुम्हारी बातचीत हुई? हुई, लेकिन मैं बात नहीं करता उनसे। नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ने छोड़ दिया। खुद ने छोड़ दिया। तुम्हारे और भाई हैं? हाँ, एक भाई है बड़ा वाला, वो मेरी मम्मी को संभालता है। यहीं से पढ़ के गया मेरा बड़ा वाला भाई। क्या करता है वो? वो अभी प्लम्बर का काम कर रहा है। खुद का काम करता है? हाँ, प्लम्बर का। नीरज, तुम्हें माँ बाप मारते थे बहुत? जी। क्यों मारते थे तुम्हें, क्यों लगता है? काम करवाते हैं इसीलिए। तुम्हारे और भी भाई बहन है? जी है। वो कहाँ रहते हैं? वो भी दिल्ली में ही। जी। तो वो काम करने जाते हैं? हाँ। तुमको काम करना अच्छा नहीं लगता था? नहीं। तो काम करने क्यों भेजते थे? तुम्हारे माता पिता कमाते नहीं थे क्या? था कमाते थे, लेकिन पापा जो थे दारू पीते थे हमेशा। दारू पीते थे? जी। तो सारा दारू में उड़ा देते थे? जी। तो दारू पी के क्या पिटाई भी करते थे? जी हाँ। तो ये जो बाल मजदूरी में रखते हैं, जो मजदूरी करते हैं और जो बच्चों पे अत्याचार करते हैं, उनको लेके क्या है तुम्हारे मन में? मेरे मन में तो ये है कि गवर्नमेंट इतना फालतू पैसा मेट्रो वेट्रो में खर्च करती है, इससे अच्छा गरीबों को ऐसे हॉस्टल बनाने चाहिए और उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, और उनके जो गवर्नमेंट स्कूल में उनकी और अच्छी फैसिलिटी दे ताकि बच्चे वो भी आगे निकल सके। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? और गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको प्राइवेट स्कूलों से आगे निकालना चाहिए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी उसमें पढ़े। तो ये हैं हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे जो अपने मन की बात बता रहे हैं। इनसे चर्चा हम जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे इस विशेष आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं अपना घर के कुछ बच्चे जो बता रहे हैं अपनी दास्तान, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आखिर में क्या ऐसा सरकार और समाज करे कि बदलाव आए। हाँ प्रदीप, मैं तुमसे कह रहा था कि क्या लगता है, क्योंकि तुमने तो अपनी छोटी सी उम्र में बड़ा भुगत लिया। गवर्नमेंट ने कानून तो लागू, बाल श्रम कानून लागू तो कर दिया, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मेरी तरफ मैं गया, बाल विवाह बाल श्रम बहुत हो रहे हैं, और उन्हीं कारण बच्चे एक को देख के एक दूसरा भी निकल जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चों को मेहनत नहीं करनी चाहिए? नहीं, बच्चों को मेहनत तो करनी चाहिए, पर बाल श्रम में कम करनी चाहिए, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो वो पूरी ज़िंदगी करेगा। क्या होता है तुम बताओगे, कैसा लगता है जो दूसरे अपने साथियों की कहानियाँ सुनते हो? अजीब अजीब लगता है कि कई हम कई दूसरों के साथ ना हो जाए। तुमने नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ। कौन है वो? ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री की कहानी जानते हो? नहीं। रियाज, तुम बताओगे कि प्रधानमंत्री भी अपने 15-16 साल की उम्र में निकल गए थे? उन्होंने भी अपने 15-16 साल की उम्र में अपने पापा का साथ दिया, पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने अपने पापा का साथ दिया, वो स्टेशन पे चाय बेचते थे, अखबार भी वो उन्होंने अखबार भी बेचा। काम करके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, काम करके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, उनको थोड़े उनका उनकी जो बुद्धि का विकास होना भी जरूरी है। पर नरेंद्र मोदी का तो हुआ? हाँ, नरेंद्र मोदी का भी वो साथ साथ काम भी करते रहे और पढ़ते भी रहे, ये होना चाहिए। दोनों साथ साथ करते रहे। तुमको क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ कामकाज भी होना चाहिए या केवल पढ़ाई होनी चाहिए? अपने एक साथ सब कुछ करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए, खेल कूद प्रतियोगिता भी सब करनी चाहिए। ये जो बच्चों को जो बेच देते हैं उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? उनको बेचना नहीं चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए संभाल कर, कि हमारा बच्चा इतना प्यार सा है तो उसके हम खूब रखवाली करें, पढ़ाए लिखाए और उसको आगे शिक्षा दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अलग अलग सोचते हैं। तुमको क्या लगता है क्यों बेचते हैं ये लोग बच्चे को? ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा और हम इतने अमीर बन जाएंगे जिससे कि हम इनको भी बेच डालेंगे। तो बच्चों को इसलिए बेच देते हैं क्या? प्रदीप, तुमको क्या लगता है? कुछ गरीब होते हैं ज़्यादा ही, जो अपने बच्चों का पेट और उनकी शिक्षा इसका विकास नहीं कर पा पाते, तो वो सोचते हैं अगर हम इनको कहीं छोड़ देते या बेच देते तो शायद वो कुछ करें, इनकी हेल्प करें। पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा तो उनको ऐसे होम है
और शायद ऑल इंडिया में, मेरे को तो शायद ऐसा लगता है ऑल इंडिया में ही है, उस उन होमों में छोड़ देना चाहिए इससे अच्छा तो, उनको रेलवे स्टेशन ट्रैक ये गड्ढे वड्ढे में डाल देते हैं, डस्टबिन में कई बार न्यूज आई है छोटे छोटे बच्चों को डस्टबिन में डाल देते हैं, उससे अच्छा तो उनको ऐसे आश्रम में दे देना चाहिए ताकि वो अगर उनका विकास नहीं कर पा रहे, उनके पास अगर कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर दे देना चाहिए, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या कृष्णा, तुमको तो बीच में ही छोड़ के चले गए थे ना माँ बाप, क्या लगता है? वहाँ गलत गलत हाथों में पड़ जाते थे, कोई वहाँ के जो वो आदमी है वो गाली बकते रहते, दिन भर मारते रहते और मारते मारते पता नहीं क्या करते, रेप कई कई गंदी गंदी गाली बकते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं। इससे अच्छा हमें किसी दूसरे होम में ले जाके अच्छा अच्छा खाना मिला, हमें अच्छा लग रहा है। अपना घर में कैसा लगता है तुम्हें? नहीं, अपना घर अब घर ही लगता है, जैसा लगता है ये हमारा ही घर है, हम सब बच्चों का घर ही है, इसमें मम्मी का भी प्यार है, पापा का भी प्यार है, भैया सर हैं, सबका प्यार, बहुत सारे भाई हैं, खूब मस्ती करते हैं। तुम्हारे तो 76% आ गए, तुम्हारे और जो साथ रहते हैं तुम्हारे छोटे भाई हो चुके हैं, क्या तुम उनको पढ़ाई में सहायता करते हो? हाँ, मैं पढ़ाई में सहायता करता हूँ, उनको पढ़ाता भी हूँ मैं। पढ़ाते हो? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ उनको। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो तुम? ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। नियमित पढ़ाते हो? हाँ, नियमित। क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते? क्यों, डॉक्टर क्यों बनना चाहते? पहले मैं वकील बनना चाहता था। अच्छा, 10th से पहले, फिर मैंने सोचा कि अगर 75% बन गई तो मैं डॉक्टर बनूंगा। तो तुमने परसेंटेज पे तय किया? हाँ। तो तुम्हारे मन में डॉक्टर बनने का कोई विशेष लक्ष्य है कि मैं इस कारण क्यों बनना चाहता? बस मन में आ गया फिर कि डॉक्टर बनना है। प्रदीप, क्या तुम्हारे दिमाग में नहीं लगता, क्योंकि तुम तो बड़े हो गए, कि तुम्हें लगता है कि जो बच्चों के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो कौन दूर कर सकता है? तुम बच्चों की बड़ी बड़ी समस्याओं को अगर जो बड़े बड़े आदमी अगर थोड़ा नेता हैं, हाँ, तो तुम्हें लगा नहीं कि तुम बड़े होके कभी नेता बनो? मैंने इसीलिए नेता नहीं सोचा क्योंकि इसमें जानकारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और तो इसलिए नेता याद नहीं बनना। हाँ, और वो मेरे को बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें फालतू की है नेतागिरी वेतागिरी, किसकी नेतागिरी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। नेता अच्छे नहीं लगते? नहीं। क्यों, कुर्ता पहनना अच्छा नहीं लगता? कुर्ता पहनता हूँ मैं, कुर्ते में मेरा शौक है, कुर्ते में जब मैं आया था कुर्ता पहनता था, पर नेता बनना अच्छा नहीं? नेता बनना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कोई नेता अच्छा नहीं लगता ही नहीं है? नेता अभी तक तो मेरी नज़र में अभी तक नरेंद्र मोदी आया। वो क्यों अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी मेरे को ही नहीं, काफ़ी बच्चों को ही अच्छा लगता है। मैंने उस दिन न्यूज पढ़ी थी, उसमें पूरी दिल्ली के बच्चे साफ सफाई कर रहे थे उसके पीछे पीछे। तो तुम्हें नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है? अब प्रदीप का कहना है कि नरेंद्र मोदी उसको अच्छा लगता है, पर वो नेता नहीं बनना चाहते। तुम नरेंद्र मोदी जैसा नहीं बनना चाहते? नेता नहीं बनना चाहते, नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहते। क्यों नहीं नेता बनना चाहते? जैसे कुछ हो गया, कांड टांड हो गया तो सब नेता पे ही ठोकते हैं कि इस नेता ने वे कर दिया, जैसे किसी चीज़ में फंसा देते हैं नेता लोगों को। तुम्हें क्या लगता है, नेता अच्छे होते हैं जानबूझ के फंसा जाते हैं? नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ। क्यों, तुमको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने जो भारत का काला धन देश में जमा कर रखा था वो निकलवाया, उन्होंने भारत में जो गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत अभियान वो शुरू करवाए, उन्होंने बाहर जाकर भारत के लिए क्या भारत के लिए हाथ बढ़ाया, एक संगठन बनाया। सरकार के बारे में जानते हो प्रदीप? सरकार ये संगठन है जो अपने किसी देश को चलाने का एक अच्छा तरीका है। तो राजस्थान में एक सरकार है, तुम्हें पता है? हाँ, सरकार। इस समय कौन है मुख्यमंत्री? अभी वसुंधरा राज है, श्रीमान श्रीमती नाम उसका। हाँ जी, मिले भी बारे में? मिले भी हो? कब मिले? पिछले जो अशोक गहलोत से पहले जो रही जब थी, वो मुख्यमंत्री थी। हाँ, पिछली बार मिले थे। क्या कहोगे वसुंधरा जी मिले तो उनसे? राजस्थान का अच्छा विकास करे, राजस्थान नंबर 1 पढ़ाई पर आए। क्या करना चाहिए उसके लिए? सारे युवाओं को आगे आना चाहिए जिससे राजस्थान या इंडिया का विकास हो है। कौन कौन पसंद है तुम्हारा? अजय देवगन। अजय देवगन जी? क्यों अजय देवगन क्यों?
उन्होंने सन ऑफ सरदार पिक्चर निकाली थी, इसीलिए काफी अच्छी फाइट करता है इसलिए नहीं तो अच्छे इसलिए लगते हैं, वो मेरे फेवरेट हीरो है। क्यों है फेवरेट? उनकी स्टाइल अच्छी लगती है, उनकी फाइट अच्छी लगती है, क्या लगता है तुमको? सब चीज अच्छी लगती है उनकी। तुमको भी कोई पसंद है हीरो हीरोइन? कौन? आमिर खान। आमिर खान? आमिर खान क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि वो हर बार जो भी साल में एक बार पिक्चर बनाता है, जो उसकी हर पिक्चर सुपर हिट जाती है। इसलिए तुम्हें कौन सी अच्छी लगी उसकी सबसे अच्छी पिक्चर? पीके। पीके अच्छी लगी? हाँ। देखी तुमने? हाँ। कितनी बार? 2-3 बार। प्रदीप, यहाँ तो नेताओं के बाद अब अभिनेताओं की बात चल गई, तुम्हारा क्या राय है? मेरे को नेता हीरो में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अपने आप ने खुद नेता खुद हीरो है। अच्छा, खुद ही हीरो बनना चाहते हो? तो तुम चाहते हो कि बच्चे खुद ही हीरो बन जाएं? ऐसे तो नहीं है, वैसे ऐसे हीरो उससे थोड़ी फाइट करना, ये करना, उससे हीरो नहीं, दूसरों की मदद करो। नेता है ये, नेता काय के नेता, अपने आप को नेता है, गरीबों के देखते ही नहीं है। और अभिनेता? अभिनेता ये भी कुछ नहीं, ये भी अपने पैसे के ऊपर है, लाखों करोड़ों कमाते हैं, कम से कम इससे अच्छा कोई गवर्नमेंट गरीब बच्चों को डोनेशन दे। ये जो तुम्हारे साथी हैं, तुम लोग हो, ये एक दिन नेता अभिनेता बने, क्या तुम्हारे दिमाग में है? ये एक दिन खुद बने नेता अभिनेता, तुम्हारे साथ के लोग जो सब हैं, तुम लोग हो, लगता है तुम्हें? हाँ, मेरी तो खैर इच्छा नहीं है हीरो नेता वेता बनने की, पर मैं अगर कोई बनता है तो उससे यही आग्रह करूँगा कि आगे जाके वो अपने अपने मतलब अपनी धुन में मस्त हो जाते हैं, फिर वो नीचे नहीं देखते, ऊपर ऊपर की सोचते जाते हैं, ऐसा ना सोचे बल्कि नीचे नीचे की सोचें। ये थे अपना घर के बच्चे, तो चाहते हैं कि इनके भी दोस्तों के बीच में से नेता अभिनेता निकलें, लेकिन वो ज़मीन से नहीं कटें, हवा में नहीं उड़ें, समाज से जुड़े रहें। अपना घर के ये बच्चे किस तरह से अपने जीवन को बदलने में लगे हैं, बचपन जरूर इनका खो गया है, लेकिन बचपन को आगे बढ़ाकर और अपने आगे के जीवन को सुधारने में लगे हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर मैल का झूठ चढ़े। क्रोध भरे नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से बचकर अपनी उम्र गुजारे। ये बच्चे वही हैं जो आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।